ना चाहिए क्या लोजपा रामविलास का स्टैंड क्या होगा, सड़कों पे आएगी एकदम हमारी पार्टी? क्या आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? एकदम हमारी पार्टी कल सड़क पे उतरेगी। हम पुतला दहन करेंगे, हम विरोध करेंगे वहां की सरकार का, खास करके वहां मुख्यमंत्री के रूप में जो बैठी है ममता दीदी, उनको चेता रहे हैं हम, संभल जाइए बिहार आग है, आग में हाथ मत डालिए। राहुल गांधी, मैं तो आपसे पहले भी कहा कि भाई राहुल गांधी जी का आप बात करते हैं, संविधान का किताब लेकर के गए थे, उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं मैं कि कहां गया वो संविधान बंगाल के मुद्दे पे, क्यों नहीं अपने अलायंस पार्टनर ममता दीदी को वो संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। उस पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बिहारी छात्रों को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक पीटा जा रहा है और साथ ही उनके बैग छीन कर जिस प्रकार से वो लोग गुंडई कर रहे हैं, बताया जाता है कि सरकारी अधिकारी हैं, और सीधे तौर पर वह खबर बिहार और देश भर में आहत कर रही है। ये उन छात्रों की बात थी जिसमें वीडियो में छात्र माफी भी मांग रहे थे, अभ्यर्थी, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। कई छात्रों को वहां पर जिस प्रकार से जलील किया जा रहा था और पीटा जा रहा था, यह कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अब मैं आता हूं बिहार के नेताओं के मुद्दे पर, या बिहार के नेता लोग क्या कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में है विपक्ष में है वह क्या कर रहे हैं। उसी के निमित्त हम अभी बात करने आए हैं लोजपा रामविलास के नेताओं से। लोजपा रामविलास के सीधे कहें तो ऑफिस में है वेद प्रकाश पांडे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवाओं से जुड़ा हुआ यह सवाल है वेद जी, तो अब क्या कर रही है लोजपा रामविलास? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नीतीश कुमार तो अभी अब इधर उधर करते एनडीए के ही हिस्सा हैं, तो उस पर भी आप लोग कम हमला बोलते हैं, तो सीधे तौर पे लोजपा रामविलास क्या सोचती है? देखिए, आज हम लोगों के संज्ञान में वो वीडियो आया है जी, और आपने पूर्व में अभी कहा कि सिल्लीगुड़ी में जिस तरीके से बिहारी छात्र को मारा जा रहा है उन्हीं के कमरे में, और बताया जा रहा है कि वह सरकारी अधिकारी है जी, तो वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का सरकार रहा नहीं जी, वो ममता दीदी के अधिकारी है। मारने पीटने वाले बोल रहे हैं कि हम फलाने के अधिकारी हैं, फलाने के, मैं आपको उसी मुद्दे पे बता रहा हूँ। आखिर ये पूरी कांड सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती है, ममता जी के सरकार में ही क्यों सुनने में आता है कि बिहारियों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कभी छात्रों के साथ रेप होता है वहां, किस प्रकार का सरकार चला रही है ममता दीदी। बिहार में भी बहुत बिरादरी के लोग रहते हैं, यहां भी बंगाल के बंगाली लोग रहते हैं, पंजाब के लोग रहते हैं, मराठी रहते हैं। कभी आपने इतिहास में सुना है? कभी नहीं। कि बिहार में अन्य प्रांत के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को कभी परेशानी हुई? कभी ऐसा मामला आज तक इतिहास में आपने सुना है? तो जिस तरीके से बिहारी छात्र के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, मैं यहीं के युवराज जो विपक्ष के बड़े भूमिका के रूप में बैठे हैं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, जो संविधान को लेकर के पार्लियामेंट में पहले दिन गए थे, कहां गया बंगाल के मुद्दे पर संविधान उनका, कहां है वो संविधान? क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? ममता दीदी आई थी बिहार में, आप लोगों को याद होगा, उनके आवास पर गए थे, और तेजस्वी जी ने मिथिला पेंटिंग का साड़ी और शॉल गिफ्ट किया था। कलकत्ता गए थे तेजस्वी यादव जी, ममता दीदी के परिवार में किसी की शादी थी। एक फोन नहीं किया जा सकता है बिहारी छात्रों पर जब इस तरीके का अत्याचार उनके सरकार में हो रहा है? क्यों सिर्फ बिहारी ही झेल रहा है? बिहारी झेल रहा है, युवा बिहारी और करके चिराग पासवान अपना ये भी लगाते हैं, तो आपकी पार्टी का क्या मांग है सरकार से या विपक्ष से, या क्या कहना है आप? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें, ममता दीदी से बात करें, और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
और ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि दोबारा कभी भी भविष्य में इस तरीके की घटना घटे नहीं। लेकिन चूंकि वहां ममता दीदी का सरकार है, यह कहना उचित नहीं है कि दोबारा यह घटना घटित तो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वहां संविधान का तो धज्जी उड़ा करके उन लोगों ने रख दिया है। एक बातें और आ रही है कि उन छात्रों की गलती थी कि वो गलत डोमिसाइल बनाकर वो वहां पर गए हैं, रह रहे हैं, ये बातें वहां से निकल कर आई है और वो कागज वो चेक करना चाहते थे, उसी के दौरान मारपीट और धक्कम धुक्की ये सब। तो उसके लिए भी एक नियमावली है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो अधिकारी थे तो उसकी जांच की प्रक्रिया तय होती। बिल्कुल, पुलिस अधिकारी साथ में जाते। ये मारपीट करने का क्या तरीका है, आप देखिए उस वीडियो को गौर से। उसके बैग को छीन रहे, उसके कागज को पटका पटकी, ये तो कतई लोजपा रामविलास कभी भी इस चीज का साथ नहीं देगी कि आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं छात्रों के साथ, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा संविधान में लिखा गया है कि जाओ भैया उसके रूम में कॉलर पकड़ो, दीवार पर धक्का मारो, मारपीट करो। हम पूरे मजबूती के साथ उस छात्र के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, लोजपा रामविलास जी। हाँ, तो ये बातें आती है कि विपक्ष, जो बिहार का विपक्ष है, वह भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, नहीं कुछ ऐसा चीजें बोल रही है। क्या इंडी अलायंस के साथ होने की वजह से तेजस्वी यादव चुप है? विपक्ष है क्या, आप बताइए ना, विपक्ष है, अभी यात्रा पे निकल रहे हैं, पूरे बिहार के यात्रा पे निकल रहे हैं ना, युवाओं पे खास करके फोकस दे रहे हैं, छात्रों पे खास करके उनका ध्यान है, तो इस मुद्दे पर क्यों विपक्ष के नेता बिहार में मतलब मौन साध लेते हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है? नहीं, तेजस्वी यादव एक बात बोलते हैं कि हमारी वजह से बिहार में इतने शिक्षक बहाल हुए, इतने ये हुए, इतने तमाम हुए, जो हमारा छोटा कार्यकाल था 1.5 साल का, उसमें हमने ये किया वो किया, पूरा गिनाते हैं। उनसे पूछिएगा, उससे पहले बिहार में बहाली बंद थी क्या? उनसे पूछिएगा, शिक्षकों की बहाली बंद थी क्या या अब नहीं हो रही है? उस 1.5 साल को याद रखते हैं तो उस 1.5 साल के पहले भी जाएं जी, 18 साल के पहले भी जाएं और अभी फिर देखें कि बहालियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के नेता हों, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के राज्य में ये जो बिहार और बिहारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि इंडिया अलायंस के नेता और भी वहां पर कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, मैं तो मांग करता हूं। आप ना, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मैं तो आपसे पहले भी कहा कि भाई राहुल गांधी जी का आप बात करते हैं, संविधान का किताब लेकर के गए थे, उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं मैं कि कहां गया वो संविधान बंगाल के मुद्दे पे, क्यों नहीं अपने अलायंस पार्टनर ममता दीदी को वो संविधान का पाठ पढ़ाते हैं? उस समय तो चुप हो जाता है महागठबंधन। और याद रखिएगा, ये बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगला चुनाव में ममता दीदी को भी आना है, कहीं चक्का उल्टा घूम गया ना बिहारी छात्रों का, तो बड़ा बुरा नतीजा होगा। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे क्या लोजपा रामविलास का स्टैंड क्या होगा, सड़कों पे आएगी एकदम हमारी पार्टी? क्या आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? एकदम हमारी पार्टी कल सड़क पे उतरेगी, हम पुतला दहन करेंगे, हम विरोध करेंगे वहां की सरकार का, खास करके वहां मुख्यमंत्री के रूप में जो बैठी है ममता दीदी, उनको चेता रहे हैं हम, संभल जाइए, बिहार आग है, आग में हाथ मत डालिए नहीं तो जलकर राख हो जाइएगा। आग में हाथ मत डालिए नहीं तो जलकर राख हो जाइएगा, ये कहना है लोजपा रामविलास का। और अभी हम बात कर रहे थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो लोजपा रामविलास के हैं, बिट्टू पांडे इनका नाम हुआ, वेद प्रकाश पांडे जी, तो और पुकारू नाम है बिट्टू जी, तो हम इनको धन्यवाद कहेंगे अभी कि यह अभी बात कर रहे थे हम इनसे बिहार और बिहार के छात्रों के मुद्दों पर, अभ्यर्थियों के मुद्दों पर, उन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी उचित और मर्यादित शब्दों में बिहार के अभ्यर्थियों को लेकर कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत, धन्यवाद।